तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विशेषण किसे कहते हैं सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को विशेषण के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको विशेषण बहुत अच्छे तरह से मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण दे, तो संज्ञा या सर्वनाम की, क्या कहते दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की दोस्तों, ये नोट में पॉइंट बन सकता है कि जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए उसे हम विशेष कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए उस शब्द को विशेष कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम विशेषण को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों, हम पहला उदाहरण लिया है, घोड़ा काला है। अब दोस्तों, घोड़ा कहने से, घोड़ा कहेंगे तो दोस्तों पूरा घोड़ा जाति का बोध हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर इसमें एक काला घोड़ा कहेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? मतलब कि एक घोड़ा, मतलब काले घोड़े का मतलब कि उस विशेषता बतलाया जा रहा है। घोड़ा का मतलब कि एक घोड़ा का विशेषता हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यानी कि इसमें हमारा विशेषण कौन हो जाएगा दोस्तों? काला, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेषण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम घोड़ा कहेंगे तो घोड़ा एक तरह से संज्ञा है दोस्तों, और घोड़ा कहने से पूरा घोड़ा जाति का बोध हो जाता है। लेकिन हम एक कंडीशन लगा दें कि काला घोड़ा, क्या लगा दोस्तों? कंडीशन लगा दें तो काला घोड़ा कहने से क्या हो जाएगा दोस्तों? एक ही घोड़ा का बोध होगा। और यहाँ पर जो हमारा काला शब्द है दोस्तों, काला शब्द क्या हो जाएगा? काला शब्द हमारा वो विशेषण हो जाएगा। और जिस शब्द की दोस्तों, यहाँ पर था ना, जिस शब्द की विशेषता बतलाया जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर घोड़ा का विशेषता बतलाया जा रहा है कि घोड़ा क्या है? काला है। तो घोड़ा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेष हो जाएगा। अब दोस्तों, अगला उदाहरण है, सीता अच्छी है। सीता के बारे में मतलब कि विशेषता बतलाया जा रहा है कि सीता क्या है? अच्छी है। तो यहाँ पे अच्छी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेषण हो जाएगा। और तीसरा उदाहरण हमारा राम बुरा है। तो दोस्तों, यहाँ राम का क्या विशेषता बतलाया जा रहा है कि राम क्या है? बुरा है। तो मतलब कि उसका गुण बताया जा रहा है कि राम क्या है? बुरा है। मतलब तो यहाँ क्या हो जाएगा? बुरा हमारा विशेषण हो जाएगा। और चौथा उदाहरण है मेरा, शर्ट हरा है। क्या है? शर्ट हरा है। तो हमारा यहाँ शर्ट क्या है? हरा है। तो शर्ट की क्या विशेषता बतलाई जा रही है? हरा। तो हरा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और जिस शब्द की विशेषता बतलाई उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? शॉर्ट की विशेषता बतलाई जा रही है। तो शॉर्ट हमारा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर दें, करके अपने एक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।